हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है, लेबर कार्ड बनवाने के काम में आता है, आप उसे कैसे फिल कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन। फुल प्रोसेस बताऊंगा वीडियो में। गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, फर्स्टली यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू होम इट में कंसर्न। गाइज, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। गाइज, नीचे लिखा है सन डॉटर वाइफ, यहाँ पे उनको अगर अपना नाम लिख रहा है, अगर फॉर एग्जांपल गाइज आपका नाम अजय है तो फादर नेम आपका जो भी है तो आप नीचे भर सकते हैं। तो गाइज, आप विलेज टाउन सिटी, यहाँ पे आपको अपना विलेज भरना होगा, ब्लॉक आगे, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज, आगे डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड इज़ वर्किंग एज ए, यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशन भरना होगा गाइज, आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, जॉब मजदूर है, मिस्त्री, कारपेंटर एट्सेट्रा। तो इसको भरने के बाद गाइज, फाइनली आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको तब इशू होगा जब अपने 90 डेज एक साल के अंदर जो प्रोसीडिंग है, जो पिछले साल होता है उसमें आपने 90 डेज वो काम किया होगा, तभी आपको एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है इशू होगा। तो गाइस, चलिए हम आगे बात करते हैं। सेलेक्ट द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आपको टाइप जो है सेलेक्ट करनी है इसमें से कि आपने किस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट का काम किया है। अगर आपने ऐसे अगर मनरेगा जो एक जॉब कार्ड होता है उससे दाढ़ी लगाई हो तो यहाँ पे आपको वो फिल करना है। अगर वहाँ से आपने काम नहीं किया, आपने लोकली और काम किया है तो आपको दूसरा नीचे फिल करना है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गाइस, ये बॉक्सेस दिख रहा होंगे, यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, एस्टेब्लिशमेंट इफ है एनी, इफ सेल्फ एम्प्लॉयड मेंशन। तो गाइस, यहाँ पे आपको नाम भरना है जिनकी जो आप विटनेस डाल रहे हो कि जिनके घर में आपने काम किया है, कि उनकी आपकी विटनेस होंगी यहाँ पे, और उनका आगे नंबर ऑफ मैंडेज कि आपने कितने दिन काम किया है। आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने 40 डेज काम किया है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 40 डेज, तो यहाँ उनके सिग्नेचर होंगे एम्प्लॉयर्स के, उनका एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर। तो गाइज, सेकेंडली 40 डेज इसमें हो गए, अगर आपने 40 डेज वहाँ हो गए, अगर 50 डेज और काम करना, क्योंकि टोटली आपके जो 90 डेज चाहिए होते हैं हमें, तो 90 डेज को पूरा करने के लिए आपको एक और आदमी की विटनेस डालनी होगी जिसमें जिनके घर पे आपने काम किया है। तो आप नीचे दूसरे बॉक्सेस में भी उनका नाम डाल के, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, तो उनके नाम आगे नंबर ऑफ मैन डेज डाल लिए 50 डेज, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस, सेम प्रोसेस है गाइज जैसे ऊपर किया था। टोटल नंबर ऑफ मैन डेज आपने अगर 90 दिन से ज़्यादा किया है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 90 से कम नहीं होनी चाहिए गाइज। फाइनली आपके पास यहाँ पे जो डेट होती है जिस दिन आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशू होगा उस दिन की यहाँ पे डेट फिल करनी होती है। तो फाइनली गाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ पे कि जो सील एंड सिग्नेचर्स होते हैं ये कौन इशू कर सकता है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। तो गाइज, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है ये आपको जो लेबर ऑफ इंस्पेक्टर जो होते हैं या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, या तो वो इशू कर सकते हैं, या आपके DDC इशू कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर होते हैं, या आपके ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन होते हैं, या आपके सरपंचेस का गाइज इतना वैलिड नहीं है जितना VDC का है और DDC का वैलिड है। तो गाइज, उनसे आप अटेस्टेड करवा कर तो अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। फाइनली आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगा, आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो जो है पेस्ट करना होगा, वो फोटो जो पेस्ट करोगे उसे अटेस्ट करवाना है जो इशूइंग ऑफिसर होगा जो आपको अटेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे VDC कर रहा होगा, उनकी यहाँ पे स्टैंप लगेगी, वो सिग्नेचर करेंगे, तब जाके आपका फॉर्म जो है कम्प्लीट होगा। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि फाइनली आपको समझ आ गया होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है हमें किस तरह से बनवाना है और क्या प्रोसेस है इसका। तो उम्मीद करते हैं गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।